तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और अभी मैं आया हुआ हूँ नंदगांव में ही, जैसे कि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा। तो ये है नंदखरक और यशोदा कुंड नंदखरक। यहाँ के बारे में और यहाँ के जो महत्व है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। पहले चलते हैं अंदर और उसके बाद मैं आपकी पुजारी जी से बात कराऊँगा। और यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ पे मंदिर भी है और आपको यहाँ पे अंदर दर्शन भी कराऊंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। तो चलते हैं पहले अंदर और उसके बाद मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊंगा। गौशाला में भी दर्शन कराऊंगा और यहाँ की गौशाला भी है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ की गौशाला का क्या महत्व है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि इस गौशाला का महत्व बहुत अधिक है। ये है यहाँ की गौशाला, आप देख सकते हो कितनी सारी गौएं हैं यहाँ पे। और ये पूरी गौशाला यहाँ की बहुत बड़ी गौशाला है ये। ये है यशोदा कुंड, आप देख सकते हो मेरे सामने ये जो यशोदा कुंड है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये सामने जो मंदिर है, मंदिर में पहले दर्शन करा देता हूँ मैं आपके और दर्शन करते हैं उसके बाद अंदर मैं आपको बताऊंगा यहाँ के बारे में। यह है यशोदा मैया का मंदिर और बाल कृष्ण जी का मंदिर है ये। राज ये मंदिर कहाँ पे स्थित है सबसे पहले हमें ये बताइए। ये यशोदा कुंड, ये यशोदा कुंड है। हाँ, नंदगांव। इस मंदिर का क्या महत्व है? ये मंदिर का ऐसा है कि मैया यशोदा यहाँ स्नान कर भी आती थी कृष्ण को लेके, तो कृष्ण को मतलब डर पाती थी, दूर खेल मत जाओ लालपन हाउ आए। तो यहाँ सांडिल्य मुनि का श्राप था, कोई भी राक्षस आवेगा कंस का भिज हुई वो मतलब पत्थर है बन जाएगा। तो मैया जब हाउ मतलब दूर खेल मत जाओ, जैसे छोटे बच्चे को उसने डर पाई जाता है, तो ये कंस का जो है राक्षस आके यहाँ है पत्थर बन गया। ये मैया मतलब नित प्रति यहाँ स्नान कर भी आती है, जो भजन करते हैं उनको तो दर्शन भी है मैया। हाँ हाँ, मैया आज भी आती है, जो मतलब भजन करते हैं अपने ज्ञान चक्षु, जिसके चक्षु खुल गया है दर्शन वाक्य होता है, सबको तो नहीं होता है ना। हाँ, मैया आज भी है यहाँ, नित्य सदा मैया आज भी यहाँ आती है, जिसको भजन करते हैं अपने ध्यान में देखते हैं वही इतना देख पाते हैं, वही उनसे बातचीत भी मतलब होता है। तो सदा मैया आते बातचीत भी मतलब है, हो जाएगा आपसे जो हाँ से बातचीत होती है। हाँ, यही स्वरूप यहाँ पे भी देखने को मिलता है। हाँ, मिलता है यशोदा माता। हाँ, साक्षात नित्य सदा है यहाँ साक्षात। ये छोटे से हमारे कृष्ण, ये कृष्ण, तो कृष्ण कभी पेड़ में चढ़ जाएँ कभी दूर खेल जाएँ, मतलब उनसे डर पाती थी डांटती थी। यहाँ मतलब पीलू का पेड़ था यहाँ, तो मैया खवाती थी है। इमली का पेड़ था वो, वही वही मतलब समय का था वो। हाँ, आज भी है वो पेड़ यहाँ? ना ना, आज तो नहीं है, वो तो गिर गया। तो ये कुंड यहाँ पर, ये पे कुंड भी है और ये गौशाला जो है। हाँ, गौशाला कितनी पुरानी है? ये गई मतलब गौशाला वही समय का है, यहाँ भगवान की सखा जो है ना। हाँ, भगवान की जो सखा है सुबाहु था वहाँ, यहाँ मतलब गोष्ट करके इतना धरा था अपनी गैया मतलब पड़ा था, और यहाँ मल्लों की मतलब ये था। हाँ, अखड़ा। हाँ, वो वही समय का था, ये गौशाला भी उसी समय की। हाँ बैल। हाँ हाँ, वो समय का था। आपका नाम? कुमार चंद। और यहाँ के बारे में थोड़ा बहुत जो भी जानते हैं उसके बारे में बताएंगे आप हमें? ये ब्रजभूमि है, यहाँ जो भी लोग आते हैं तो यहाँ
यहाँ सीरत है, ये जो ठाकुर जी की लीला है वो आज भी निष्प्रति मतलब ये डेली होती है यहाँ पे डेली साक्षात। लेकिन जो भजन करते हैं, जो उनके ध्यान में रहते हैं, उनको दर्शन देते हैं और पायलों की आवाज़ भी आती है यहाँ पे, पायलों की आवाज़ भी आती है आज भी। तो भक्तों ने महसूस किया है खुद? भक्तों ने दर्शन किए हैं, दर्शन भी किए। जयपुर के नवल किशोर पंडित जी रहे, वो आज आके तो उनकी समाधि बनी हुई है चरण प्राप्त करके, उन्होंने साक्षात दर्शन किया है दोनों कृष्ण बलराम का। वो तो भिक्षा करके आते थे रोटी खाने के लिए सुबह सुबह ही, तो देखा तो मतलब ये भिक्षा तो भिक्षा करके चले जाते। एक दिन ऐसा हुआ, जाटवीर ने दरिया बनाया, हमारे यहाँ दरिया बोलते हैं, तो एक धारी में चार पांच बच्चे लगे हुए थे। तो नवल किशोर पंडित जी को जब गए, जब देखा उन बच्चों को, तो उनको मतलब लाला किस्मला दोनों भैया उनके साथ में लग रहे हैं। तो पंडित जी ने फेंक के झोली बोली साहब, वो जाटनी कह रही, बाबा ये क्या कर रहे हो आप, ये तो हमारे बच्चों का झूठा है, हमारे बोले मत तो साथ क्या दर्शन हो जोड़ा से जोड़े से किस्मला दोनों भैया वो भी उनके साथ में खा रहे हैं। तो यहाँ का जो बाल स्वरूप भी है वो भी कृष्ण के रूप में है। यहाँ का सबसे बड़ा ये महत्व है कि यहाँ पे आज भी दर्शन होते हैं भक्तों को। और क्या है? तो अब मैं आपको अंदर मंदिर में दर्शन कराता हूँ कि यहाँ पे जो अंदर मंदिर में आपको सामने दिखेगी, यहाँ पे यशोदा मैया और उनके बिल्कुल साथ में छोटे से हमारे कृष्ण बाल स्वरूप में हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वो उसका गेट है, वहाँ पर भी मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। ये यहाँ का हनुमान जी का मंदिर है, और ये यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर किस लिए बनाया गया आप इसके लिए बताएंगे? ये हनुमान जी मतलब भगवान के मतलब पार्षद हैं, जो भगवान गैया मतलब चरावे लगे तो सब देवी देवता आए, तो हनुमान जी आए हैं और कहे कि मतलब हम भी गैया चराएंगे, तो हनुमान जी ने भी हाँ हनुमान जी हम भी यहाँ गैया रहे मतलब चराएंगे, तो भगवान कहे कि कोई तुम्हारे पूंछ पकड़ेगा, कोई तुम्हारा ये करेगा, फिर तो कोई तुम्हारे मतलब कंधे में चढ़ जाएगा, ऐसा करोगे? नहीं, हम भी मतलब गैया चराएंगे, हम भी सब मतलब काजल पाजल लगाएंगे, हम भी ग्वाल का मतलब फेटा बांधेंगे, हम भी ग्वाल भाव में रहेंगे। तो वही दिना से ये हनुमान जी है, या मतलब आज के ना गांव का लोग कोई नहीं मतलब बता सकते कि कब से है, वही गांव का लोग नहीं बता पाएंगे। तो ऐसा भी होता है, ये भगवान हनुमान जी गैया चराते हैं, जैसे किसी को दर्शन भी होता है और बाकी मतलब झाड़ियों का चीन भी आ जाता है, तो हनुमान जी साक्षात हैं यहाँ, हनुमान जी यहाँ। तो ये बाल रूप है हनुमान जी का भी, ये बाल रूप है हनुमान जी का। ये था यशोदा माता का मंदिर जो कि मैंने आपको यहाँ पे दर्शन कराए हैं, और यहाँ पे हनुमान जी के भी आपको मैंने दर्शन कराए हैं, जो कि जैसे यहाँ पे हनुमान जी बाल अपने बाल स्वरूप में हैं। और अब चलते हैं, यहाँ पे गौशाला है, जो यहाँ पे ये नंद बाबा की गौशाला है, और उसी समय की है जब द्वापर में नंद बाबा की गौशाला हुआ करती थी, उसी समय की आज भी यहाँ पे गौशाला स्थित है। तो चलते हैं पहले गौशाला की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दर्शन कराऊंगा मंदिर के, मैंने आपको दर्शन कराए हैं यहाँ पे यशोदा मैया का, और छोटे हमारे बाल गोपाल जो है हमारे छोटे से कृष्ण भगवान और यशोदा मैया के मैंने आपको दर्शन कराए, और ठीक बराबर में है यहाँ पे ये यहाँ के जो निवासी हैं ये बता रहे हैं कि ये रास मंडल है, ये कार्तिक के महीने में जो आती है ना गौचार पे मतलब भवन से चलते हैं ठाकुर जी, आते हैं यहाँ से मतलब ये मक्खन का भोग लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ से हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए मक्खन का भोग लगाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आते हैं वो और यहाँ पे भोग लगाते भोग करते हैं, यहाँ से कदम टेर जाते हैं फिर गाय चराते हुए। तो ये है उनकी गौशाला। तो चलते हैं अंदर, मैं आपको यहाँ पे अंदर दिखाता हूँ गौशाला जो यहाँ के नंद बाबा के टाइम की है, यानी कि द्वापर के समय की ये गौशाला है। तो चलते हैं पहले अंदर हम यहाँ।
गौशाला है जो नंद बाबा के समय से है, यानी कि जब उनकी 9 लाख गायें हुआ करती थी उस समय की ये गौशाला है। और आप ये देख सकते हो, यानी कि ये द्वापर के समय की गौशाला है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी गौएं देखने को मिलेंगी। गौशाला का गोपाल है ये, ये गौशाला का गोपाल है ये। हाँ। बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहाँ का। अगर आप इस चीज़ को फील करोगे कि द्वापर के समय की गौशाला है और ये छोटे छोटे से गाय के बछड़े बहुत ही प्यारे हैं, ये आप देख सकते हो उन सबको। और ये द्वापर के समय का अगर आप इनको एहसास करके देखते हो तो बहुत ज़्यादा आपको आनंद आता है। ये कामधेनु ये पूरी सफ़ेद है, पैर भी सफ़ेद है। देखो इसके, मैं आपको पास जाके दिखाता हूँ, इसके आँखें भी इसकी सफ़ेद हैं। सबसे बड़ी है ये, सबसे बड़ी गौशाला में ये सबसे बड़ी गौ है। और इसका नाम, जैसे कि मैं बता रहे हैं कि इसका नाम है यशोदा। ये 8-10 दिन के बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं। आप देख सकते हो मेरे हाथ के हिसाब से कितने छोटे हैं ये। बहुत प्यारे भी हैं ये। आप इनका एहसास आपको देखने से लगेगा कि बड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हो मेरे हाथ के हिसाब से पूरा मेरा हाथ इसके सर पे आ रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने छोटा है ये। बहुत ही प्यारा है ये छोटा सा। और ऐसा ही छोटा वाला दूसरी तरफ।
है नंद बाबा की गौशाला। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी गौएं हैं यहाँ पे। और ये सभी गौएं जंगल की तरफ निकलेंगी ये सारी चरने के लिए। और इनके लिए गेट खोला जा रहा है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कितनी गौएं, ये नंद बाबा की गऊ है सारी, और नंद बाबा की गौशाला है ये। यह है गौशाला का मेन गेट। तो जैसे कि मैंने आपको गौशाला में आपको दर्शन भी करा दिए, ये मंदिर था यहाँ पे भी मैंने आपको दर्शन करा दिए, और अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको यशोदा कुंड लेके जाऊँगा, जो कि बिल्कुल मंदिर के बिल्कुल बराबर में ही है यशोदा कुंड। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पूरा यशोदा कुंड है, और मैं आपको अब नीचे जाके दर्शन कराता हूँ यहाँ पे, और यहाँ के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे क्या महिमा। वैसे पुजारी जी ने आपको बता दिया है कि यहाँ पे क्या महिमा रही है माँ यशोदा की, और आज भी माँ यशोदा यहाँ पे आती है और इस कुंड में स्नान करती है। भक्तों ने महसूस किया है और उनके दर्शन भी किए हैं यशोदा मैया के। तो चलते हैं पहले अब नीचे और मैं आपको दर्शन कराता हूँ इस यशोदा कुंड के। स्नान करने आती है माँ यशोदा यहाँ पे। माँ यशोदा का ही कुंड, ये माँ यशोदा का कुंड है, आप देख सकते हो ये पूरा यशोदा कुंड है, कहलाता है पूरे ब्रज धाम में नंद गांव में। और जैसा कि पुजारी जी ने भी बताया था कि माँ यशोदा यहाँ पे स्नान करने आती है, कि भक्तों ने यहाँ पे महसूस कराया दर्शन करें, कि ये बात हकीकत भी है कि यहाँ पे सच में दर्शन करें, सच में दर्शन उन्होंने भगवान उनको यशोदा माँ साक्षात दिखाई देती है, यहाँ पे साक्षात दिखाई देती हूँ। जो साधना वो करते हैं, वास्तविक भजन करते हैं, जो भक्त लोग हैं जो साधना करते हैं, उनको माँ साक्षात दिखाई देती है, यहाँ पे दिखाई देती है। हम बताते हैं आज भी माँ यशोदा आती है, दर्शन दिया है आज बुजुर्ग की आवाज़ आती है, आज भी माँ यशोदा तो जैसे कि देख सकते हो आप, ये यशोदा कुंड है, और हमें बताया पुजारी जी ने भी, और ये जो यहाँ के नंद गांव निवासी हैं कन्हैया जी, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पे घुंघरू की आवाज़ आती है, भक्तों ने महसूस करा है, जो सच्चे भाव से यहाँ पे आते हैं पूजा करते हैं उनको माँ के घुंघरू की आवाज़ आती है यशोदा माँ के,
और उन्होंने यहाँ पे उनके दर्शन भी किए हैं। और ये वही कुंड है जहाँ पे मैया के संग द्वापर में भगवान कृष्ण आते थे, स्नान करते थे, और आज भी इस कुंड का उतना ही महत्व है। अगर स्नान करते हो आप तो उतना ही फल आपको उतना मिलता है जितना आपको पावन सरोवर का महत्व है। वैसा ही यहाँ पे हर ब्रज में जो भी जितने कुंड हैं सबके एक समान ही महत्व है, ये भी उनमें से एक है। यशोदा कुंड पे यशोदा मंदिर बना हुआ है, वही मंदिर है। और माँ यशोदा आप देख सकते हो भगवान कृष्ण के हाथ पकड़े हुए हैं, और ये छोटे से बाल रूप में हमारे भगवान कृष्ण। यहाँ भी बड़ा प्यारा सजाया हुआ है भगवान के इस रूप को, पूरा मंदिर बहुत प्यारा है ये। और वहीं बिल्कुल बराबर में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी यहाँ पे बाल रूप में हैं, आप देख सकते हो ये हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी बिल्कुल यहाँ पे बाल रूप में हैं। हनुमान जी की लीला यहाँ पे ये रही है कि जैसे कि पुजारी जी ने बताया था कि भगवान कृष्ण को गाइया चराते हुए और श्रृंगार करते हुए हनुमान जी जब उन्होंने देखा तो वो भी नहीं रह पाए। उन्होंने भी जिद करी प्रभु से, भगवान से, कि भगवान मुझे भी गैया चरानी है, मुझे भी आँखों में काजल लगाना है, मुझे भी श्रृंगार करना है। तो आप देख सकते हो ये भगवान की आँखों में काजल लगा हुआ, ये पहचान है उस समय की जो भगवान ने बिल्कुल उस समय भगवान ने भगवान से अपनी इच्छा प्रकट की कि भगवान मुझे भी काजल लगाना है आँखों में, श्रृंगार करना है, गैया चरानी है। और तब से लेके आज तक भगवान हनुमान जी की भी यहाँ पे बाल रूप में पूजा की जाती है। काफ़ी प्यारा मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। ये था यशोदा माँ का मंदिर जो कि मैंने आपको दर्शन कराया यहाँ पे। और आपको कैसा लगा यहाँ पे दर्शन करके प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। और आने वाली वीडियो अभी और ब्रिज की होने वाली है, तो प्लीज़ आप मेक श्योर कि अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू।